पूछा है स्वामी अनंत शून्यम ने, स्वामी रमेश चंद सुखी ने, प्यारे सद्गुरु उपनिषद का प्रसिद्ध वचन है पूर्णमदः पूर्णमिदं, अर्थात वह परमात्मा भी पूर्ण है और यह जीव भी पूर्ण है। मैं इस वचन के अंतिम भाग से सहमत नहीं हूं। परमात्मा का पूर्ण होना तो समझ में आता है, किंतु हमारा पूर्ण होना कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि हमारा सारा सौंदर्य तो हमारी अपूर्णता में है, शून्यता में है। पूर्ण तो वस्तुएं होती हैं, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति की पूर्णता तो उसके विकास की सारी संभावनाओं को अवरुद्ध कर देगी। कृपया इस संबंध में मार्ग निर्देशन करने की कृपा करें। सौंदर्य पूर्णता में ही है। जहां कहीं भी तुम्हें सौंदर्य दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि तुमने पूर्णता के दर्शन किए हैं। उपनिषद के ऋषि जो बात इतनी गहराई से कह रहे हैं उसमें सहमति और असहमति का विषय नहीं है। ऋषियों ने जब कुछ कहा तो गहरे अनुभव से गुजर कर, परमात्मा पूर्ण है और उसकी सृष्टि भी पूर्ण है। अगर हम कहते हैं कि परमात्मा पूर्ण है, इस बात से तो मैं सहमत हूं, तो परमात्मा क्या है? परमात्मा हमसे अलग होकर कहीं कोई व्यवस्था है, कोई सत्ता है? और अगर हमसे अलग होकर कोई सत्ता हो गई तो पूर्ण कैसे रह गई? फिर हम तो उससे बाहर पड़ गए ना, तो पूर्ण तो ना हुई। और अगर किसी पूर्ण सत्ता के भीतर अपूर्ण इकाइयां हैं, अपूर्ण संघटक हैं, अपूर्ण यूनिट्स हैं, इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं, तो वो पूर्ण कैसे होगी? दो अपूर्ण लोग मिलकर क्या कभी पूर्ण हो जाते हैं? वो तो अपूर्ण ही रहते हैं, अधूरे ही रहते हैं। दो पूरे लोग मिलकर पूर्णता का एहसास करते हैं। परमात्मा कोई दर्शन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक चेतना की अवस्था है। चेतना की अवस्था अखंड है और परिपूर्ण है, तभी वो चेतना है। अगर वो खंडित है तो वो चेतना नहीं है। परमात्मा के बारे में जो उलझन रही है मनुष्य की, वो यही रही है कि वो परमात्मा को अपने से कहीं बाहर समझता रहा है, अपने से कहीं दूर समझता रहा है। उपनिषद के ऋषियों ने ये बड़ा पूर्णता वाला वक्तव्य दिया है। पूर्णता का तात्पर्य यह भी होता है अखंडित हो जाना। ऐसा तो संभव ही नहीं कि परमात्मा पूर्ण हो जाए और उसकी रचना अपूर्ण हो जाए। उपनिषद के ऋषि ये भी तो कहते हैं कि पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, और इस पूर्ण से अगर पूर्ण निकाल भी लिया जाए तब भी वो पूर्ण ही रहता है।
तुमने लिखा है कि अपूर्णता शून्यता है। नहीं, शब्दों में मत उलझो, शून्यता तो पूर्ण है। शून्य को कभी अधूरा देखा है? शून्य तो परिपूर्ण ही होता है। शून्य में कुछ भी शामिल करो या कुछ भी निकालो, कुछ भी जोड़ो घटाओ, शून्य में कोई अंतर पड़ता? अपूर्णता शून्य जैसी नहीं है, पूर्णता शून्य जैसी है। शून्य और पूर्ण एक ही बात है। ये केवल दो अप्रोचेज हैं, दो धाराएं हैं। भगवान बुद्ध ने शून्यता की भाषा पसंद करी और हिंदू ऋषियों ने पूर्णता की भाषा। पूर्णता और शून्यता एक ही बात है, लेकिन जब हम पूर्णता की बात करते हैं तो वो कोई अलग थलग घटना नहीं होती, वो एक कलेक्टिविटी है, एक सामूहिक और अलाइव जीवंत घटना है जिसमें सब कुछ शामिल है। तुम भी पूर्ण ही हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि अगर तुम पूर्ण होते तो तुम्हारी आपाधापी क्यों होती, तुम्हारी बेचैनी क्यों होती, तुम विकसित होने की कोशिश क्यों करते, तुम इच्छाएं क्यों करते, तुम्हें ये लगता है। और शायद तुमने जब ये ऋषियों के वचन पढ़े हैं तो ये वचन भी पढ़े होंगे कि परमात्मा ने इच्छा करी, सृष्टि की, तो वो रच गई। यानी एक तो इच्छा उसके हिस्से में भी चली ही गई। किसी भी प्रकार की इच्छा या विकास की संभावना पूर्णता के विरोध में नहीं है, वो पूर्णता के साथ है। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा कि अपूर्ण चीजें विकसित नहीं होती, अपूर्ण लोग भी विकसित नहीं होते। विकसित होती ही पूर्ण चीजें हैं, पूर्ण घटनाएं हैं, कंप्लीट थिंग्स। और एक मनुष्य भी जब विकसित होता है तब उसे किसी न किसी कोने से अपनी पूर्णता की झलक आ जाती है। जैसे ही तुम्हें अपने भीतर की उस कंप्लीटनेस की ग्लिम्प्स आती है, तुम बढ़ना शुरू कर देते हो, तुम विकसित होना शुरू कर देते हो। विकास इसी आंतरिक झलक से प्रारंभ होता है। एक बीज जो टूटता है, अंकुर बनता है और विशाल वृक्ष में रूपांतरित हो जाता है, वो बीज पहले भी परिपूर्ण है, उसकी परिपूर्णता में कोई कमी नहीं है। चूंकि वो परिपूर्ण है, इसीलिए वो एक दिन विशाल वृक्ष की संभावना में भी बदल जाता है। लेकिन इसी बीज को अगर खंडित कर दो, तोड़ दो, तो क्या ये फिर उगेगा? क्या इसमें अंकुर आएंगे? कभी तुमने टूटे हुए बीज को, जिसे तुमने कई टुकड़ों में तोड़ डाला हो, अंकुरित होते हुए देखा है? बीज अंकुरित हुआ ही तब जब उसके अंदर बीज होने की परिपूर्णता थी। एक परिपूर्णता तुम्हें दूसरी परिपूर्णता में ले जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, अपूर्णता पूर्णता में कभी बदलती नहीं। एक परिपूर्णता अन्य किस्म की परिपूर्णताओं में रूपांतरित हो जाती है, और जो कुछ है जिस क्षण में या जिस अवस्था में, वो उसी अवस्था में परिपूर्ण है, कंप्लीट है। बीज जब बीज है तो बीज होने में परिपूर्ण है, और जब वो टूटा है, एक नन्हा सा अंकुर निकला है, तो अंकुर अंकुर होने में परिपूर्ण है। और जब वो छोटा सा पौधा बनता है तो वो पौधा अपने में परिपूर्ण है, और जब वो विशाल वृक्ष में रूपांतरित होता है तो वो वृक्ष अपने में परिपूर्ण है। फिर वृक्ष जब अपने भीतर नए बीजों की संभावना विकसित कर लेता है तो वो बीज फिर नए सिरे से परिपूर्ण है। ये एक चक्र है, ये परिपूर्णता का चक्र है। हम एक परिपूर्णता से दूसरी परिपूर्णता में छलांग लेते हैं और इस तरह के जीवन
गहरे से गहरे सौंदर्य में गति करता है। क्योंकि प्रश्न ऐसा है, इसमें ये पूर्णता अपूर्णता और परिपूर्णता शब्द बहुत बार बोलना पड़ रहा है, तो उससे कोई अड़चन ना ले, बात समझे। तुम अधूरे नहीं हो। अधूरे होने की केवल एक झूठी स्थिति तुम्हारे समाज, शिक्षा, तुम्हारी कंडीशनिंग ने तुम्हारे भीतर विकसित की। तुम एक भ्रम से भर गए हो कि तुम अधूरे हो और तुम्हें पूरा होना है। एक साधक को यही तो बात पकड़ती है कि परिपूर्णता कहीं से खोज कर लानी है। एक साधक जब चलता है तो वो यही सोचता है कि मेरे अंदर तो न जाने कितनी कमियां हैं और मुझे उनको एक एक करके ठीक करना है। लेकिन तुम यकीन मानो, अपनी कमियों को ठीक करके कभी कोई पूरा नहीं हुआ। एक कमजोरी और कमी की तलाश तुम्हें दूसरी कमजोरी में ले जाती है, फिर वो तुम्हें किसी अन्य कमजोरी में ले जाती है। तुम कमजोर से कमजोर होते चले जाते हो। लेकिन जब तुम सारी कमजोरियों के बावजूद सीधे अपने भीतर के केंद्र की परिपूर्ण शांति को, परिपूर्ण स्थिरता को अनुभव करते हो, तुम देखते हो कमजोरियां विदा हो गई। ये यात्रा ऐसे नहीं है कि तुम एक एक चीज को सुधार कर किसी दिन सुधरोगे। तुम पहले ही सुधरे हुए हो। ये तो तुम्हारे महात्मा लोग तुम्हें भटका देते हैं कि तुम्हें सुधरना है, तुम्हें पूरा होना है, तुम्हें यात्रा करनी है। तुम कहाँ की यात्रा करोगे? तुम वही हो जहां तुम्हें होना है। यात्रा करने में भटक जाओ। कई बार लोग इस अंतर यात्रा के नाम पर इतनी यात्रा कर लेते हैं कि फिर अपने घर तक लौटना मुश्किल हो जाता है, अपने घर का पता भूल जाते हैं। तुम अपने घर में ही रह रहे हो। थोड़ा आंख खोलकर देखने की बात है। इसलिए तुम्हें जो होना है तुम अभी हो, इसी क्षण हो। उसे कहीं बाहर से खींच कर नहीं लाना है। या वो कोई क्रमिक विकास नहीं है कि विकास होकर तुम एक दिन उस अवस्था में पहुंचोगे। जो विकास जैसा जान पड़ता है तुमको, वो केवल भ्रम की परतों का टूट जाना, जस्ट डिजॉल्विंग योर इल्यूजन्स, इल्यूजन ऑफ इनकम्प्लीटनेस। तुम अपनी अधूरेपन और अपनी अपूर्णता के भ्रम को एक दिन विसर्जित कर देते हो और चौंक कर जागते हो कि ये सब तो पहले से ही था। इन्हीं उपनिषद के ऋषियों ने, जिन्होंने ऐसे वाक्य बोले, तुमने ध्यान दिया होगा कि उन्होंने कमल जैसा प्रतीक भी चुना। कमल जैसे प्रतीक से उन्होंने यही कहना चाहा कि तुम्हें दृष्टि अपने भीतर की खिलावट पर रखनी है, न कि उसके नीचे फैले हुए कीचड़ पर। लेकिन तुमसे किसने कहा कि कीचड़ बुरा है? उसी का सार खींचकर तो ये खिलावट पैदा हुई है। अगर वो इतना ही व्यर्थ और अधूरा होता तो खिलावट भी ना आती। तो कोई अगर कमल के नीचे के कीचड़ से बैर पाल लेता है तो कमल की खिलावट तक भी कभी नहीं पहुंचता। सब अपने में परिपूर्ण है, कीचड़ भी, कमल भी। लेकिन भारतीय ऋषि कहते रहे कि तुम दृष्टि कमल पर रखो, तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा। क्योंकि यात्रा तब आसान हो जाएगी, तुम कीचड़ पर भी दृष्टि करके पहुंच जाओगे, लेकिन तब नाहक मुश्किल में पड़ोगे, पीड़ा में पड़ोगे, अड़चन में पड़ोगे। और जब तुम जागोगे तब तुम्हें लगेगा कि सारी पीड़ा, अड़चन तुम्हारा एक भ्रम मात्र थी, अन्यथा कहीं कोई पीड़ा नहीं थी। पीड़ा केवल तुम्हारी दृष्टि के भटकाव से पैदा हो जाती है।
अगर कोई व्यक्ति अपनी अपूर्णता और अधूरेपन की दृष्टि को पकड़ लेता है तो पीड़ित होता है, लेकिन फिर तुम्हें लगेगा कि ये पूर्णता का एहसास कहीं अहंकार जैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं समझूं कि मैं परिपूर्ण हूं तो ये कुछ अहंकार जैसा जान पड़े। लेकिन जरा जाग कर देखो, अहंकार पूर्णता का एहसास कर ही नहीं सकता। अहंकार का तात्पर्य ही है अपने अधूरेपन का एहसास। जहां जहां टूटन है, खंड है, अधूरापन है, वहां वहां अहंकार है। जहां जहां टूटन नहीं है, अधूरापन नहीं है, वहां कोई अहंकार नहीं। अहंकार में कोई आनंद भी नहीं है और पूर्णता में आनंद ही आनंद है। तुम्हारी घोषणा करने या ना करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कोई व्यक्ति किसी दिन खड़ा होकर घोषणा कर दे कि हाँ मैं परिपूर्ण हूं, और कोई व्यक्ति घोषणा ना करे, दोनों बातें व्यर्थ हैं, क्योंकि घोषणा करने वाला भी और ना करने वाला दोनों अपने आप में परिपूर्ण है। एक सद्गुरु भी पूर्ण है और उसके शिष्य भी पूर्ण है। सद्गुरु ने इस तथ्य को जान लिया है और शिष्य जानने की प्रक्रिया में है, लेकिन है वो पूर्ण ही। जो भ्रम की परतें उनके ऊपर इकट्ठी हो गई हैं, वो एक एक कर टूट रही हैं, विसर्जित हो रही हैं। जैसे तुम बहुत दिनों से स्नान ना करो और गंदे हो जाओ, तुम्हारे ऊपर धूल मिट्टी जम जाए और कोई तुमसे कहे कि नहीं, तुम्हारी जो शरीर की अवस्था है वो भी इतनी ही कोमल और चमकदार है, तो शायद तुमको यकीन ना आए। तुम कहोगे नहीं नहीं, कहां ऐसा है, देखो सब कितना मटमैला, धूल से भरा हुआ। लेकिन फिर तुम्हें कोई बारिश के नीचे खड़ा कर दे, या तुम्हें स्नान की प्रक्रिया से गुजार दे, तो ये कोई साधना नहीं है बारिश में खड़े हो जाना या स्नान कर लेना। धीरे धीरे मैल की परत हटती है, धूल मिट्टी हटती है और तुम्हारे शरीर की जीवंत और चमकदार त्वचा बाहर आ जाती है, तुम्हारे भीतर की जीवंतता प्रकट हो जाती है। वो अभी भी वहीं पर थी, बस उसे तुम देख नहीं पा रहे थे। जैसे जो हीरा तुम्हें बड़ा चमकदार दिखाई देता है और परिपूर्णता का एहसास देता है, जब वो खुदाई में निकलता है तो शायद तुम उसे पहचान भी ना पाओ कि ये हीरा है। लेकिन जो पारखी हैं, वो उसे तब भी उतनी ही कीमत से देखते हैं, उतने ही मूल्य से जितना उसकी कटाई छटाई और पॉलिश होने के बाद। सोचो क्या जो खदान से निकला हुआ पत्थर का टुकड़ा था, जिसे बाद में तराश कर हीरे में बदला गया, उसकी कीमत में, उसके मूल्य में कोई कमी थी? वो तो उसके भीतर ही छुपा हुआ था। तुम्हें पता ही होगा जो बेशकीमती हीरा कोहिनूर खोजा गया, वो पहले एक गरीब से व्यक्ति के पास था, झोपड़ी में रहता था। उसके बच्चे उसे पत्थर की एक चट्टान समझकर इधर उधर फेंक कर खेला करते थे। कहीं से मिल गई होगी वो पत्थर की गेंद। कहते हैं कि एक जौहरी वहां से गुजरता था, तो जब उसने वो पत्थर की चट्टान देखी जिसे बच्चे पत्थर की गेंद समझकर खेला करते थे, उसने उस व्यक्ति से उसे बेचने के लिए कहा। मामूली सी कीमत कौड़ियों के भाव, तो उस व्यक्ति को हैरानी हुई कि कितना मूर्ख व्यक्ति है कि एक
गैर मामूली से पत्थर के टुकड़े को खरीद रहा है, तो उसने बड़ी खुशी खुशी उसे दे दिया। लेकिन जब उसी पत्थर को तराशा गया तो वो दुनिया के बेशकीमती हीरो में से शुमार हुआ। वो परिपूर्णता उसके भीतर ही छुपी थी। जितनी भी साधना है वो तुम्हें पूर्ण बनाने की कोशिश नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो तुम सावधान हो जाना, वो तो केवल धूल मिट्टी का हटाना है। इंसानों के ऊपर अलग किस्म की धूल मिट्टी इकट्ठा होती है, पत्थरों के ऊपर तो सीधी सीधी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। इंसानों के ऊपर विचारों की, व्यवस्थाओं की, भावनाओं की परतें इकट्ठी हो जाती हैं, वही तोड़नी पड़ती है, उन्हें ही हटाना पड़ता है और फिर भीतर सब परिपूर्ण है, कहीं कोई कमी नहीं। जब कहीं भी तुम्हें सौंदर्य की झलक मिले या आनंद की एक किरण भी तुम्हें दिखाई दे तो जानना कि तुमने परिपूर्णता को ही देखा है, उसे ही महसूस किया है। वो तुम्हारे आसपास भी हो सकती है, तुम्हारे किसी प्रिय व्यक्ति के भीतर या तुम्हारे अपने भीतर। अपूर्णता कभी किसी को आनंद में नहीं ले गई ना विकास में। जिसे तुम प्रेम के नाम से जानते हो वो क्या है? तुम्हारी साधना भ्रम हो सकती है, तुम्हारा संन्यास भ्रम हो सकता है, धोखा हो सकता है। सारी तुम्हारी साधना की अनुभूतियों की व्यवस्थाएं मानसिक छलावा हो सकती हैं, लेकिन प्रेम जो तुम्हें एक ऊंचाई में उठा देता है, ऊपर खींच लेता है, वो कभी छलावा नहीं होता, कभी धोखा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे भीतर उसी पूर्णता की झलक के साथ प्रकट होता है। अगर प्रेम की एक मध्यम सी किरण भी किसी ने जानी है तो उसने पूर्णता को ही जाना है, और जिसने उस पूर्णता की किरण को जाना है वही विकसित हुआ है। जिसके जीवन से भी प्रेम का अभाव हो गया है उसकी विकास की सारी संभावनाएं अवरुद्ध हो जाती हैं, वो विध्वंस में चला जाता है, चाहे बाहर के विध्वंस में चाहे स्वयं के विध्वंस में, वो विकसित नहीं होता। तुमने लिखा है कि मनुष्य तो अपूर्ण जान पड़ता है, उसमें विकास की संभावनाएं हैं, अपूर्ण में विकास की संभावना नहीं है। प्रेम में विकास की संभावना है और प्रेम में परिपूर्णता है। तुम प्रेम से भर जाओ तो पूरे जगत को सौंदर्य से भर देना चाहोगे, तुम सुंदर हो जाओ, स्वयं सुंदर हो जाओगे और सुंदर बनाना चाहोगे, और प्रेम तुम्हारे भीतर से चला गया हो तो तुम अधूरेपन का एहसास भी करोगे, अपूर्णता का एहसास भी करोगे, और तुम सौंदर्य और आनंद से भी दूर हो जाओगे। लेकिन प्रेम की किरण तुम्हें स्पर्श करे तो तुम अपने अंदर गहरी परिपूर्णता का एहसास करोगे। तुम्हें लगेगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नाउ आई एम फुलफिल्ड। अक्सर प्रेमी ये भाषा बोलते दिखाई देते हैं, चाहे उन्हें फुलफिलमेंट का एहसास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उस क्षण तो वो उस ऊंचाई में उठ ही जाते हैं जब वो कहते हैं कि नाउ आई एम फुलफिल्ड, इस समय मैं परिपूर्ण हूं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तुम इसे क्या धोखा कहोगे, छलावा कहोगे? नहीं, वो क्षण भर के लिए ही सही, लेकिन अपने भीतर के पूर्ण केंद्र के संपर्क में आ गए। एक साधक चाहे जितना धुरंधर हो, गहरे से गहरा हो, उसे ये कहते हुए तुम शायद ही कभी पाओ कि नाउ आई एम फुलफिल्ड, अब मैं परिपूर्ण हूं। वो तो जितनी साधना में जाता है वो और विचलित होता है, और अधूरेपन का एहसास होता है, वो और भागता है, लेकिन क्यों विचलित होता है?
विचलित इसलिए नहीं होता है कि वो अपूर्ण है, विचलित इसलिए होता है कि एक परत टूटती है साधना में जब उसके भ्रम की, तो भीतर से कोई पुकार उठती है, वो पूर्णता की पुकार है। जब वो पुकार किसी को सुनाई देती है तो वो बेचैन होता है। बेचैनी भी कई तरह की होती, पूर्णता की अनंत की पुकार से उठी बेचैनी बड़ी शुभ होती है और बड़ी आनंद से भरी होती है। वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं जो इस पूर्णता की और अनंत की पुकार से बेचैन हो उठते हैं, क्योंकि तुम कहीं नजदीक जा रहे हो लेकिन अभी तुमने उसे देखा नहीं, बेचैनी होती। अधूरेपन में या अपूर्णता में कोई बेचैनी होती है और व्यक्ति को किसी सृजनात्मकता की ओर मोड़ती है, किसी क्रिएटिविटी की ओर, ये शोध का विषय, चिंतन का विषय भी है। अक्सर वो लोग जो अधूरेपन और एकाकीपन से भर जाते हैं वो गैर सृजनात्मक हो जाते हैं, वो बेचैन भी नहीं रह जाते, उनके भीतर की आग ठंडी पड़ जाती है। जब किसी के भीतर की आग ठंडी पड़ गई हो वो बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। इसीलिए तुम देखोगे कि बहुत सारे लोग जो अभी अपने इस परिपूर्ण केंद्र की ओर जाने का कोई कदम भी नहीं उठा पाए हैं, बेचैन भी नहीं, अर्थात जिसे तुम बेचैनी की तरह देखते हो वो भी पूर्णता की ही एक लहर है। तुमने तालाब में लहरें उठती देखी, लेकिन सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठती, ऐसा लगता है जैसे लहरें बड़ी बेचैन है, किसी चीज की तलाश है उन्हें। सागर की परिपूर्णता में उठी लहर जितनी बेचैन और विक्षुब्ध दिखाई देती है उतनी बेचैनी तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। कहने का अर्थ है कि पूर्णता में ही लहरें भी उठती हैं, वो लहरें सृजनात्मक है, वो लहरें निशानी है जीवन की, लेकिन तुम जैसे जैसे अपनी पूर्णता के केंद्र से दूर होते हो वो लहरें भी उठना बंद हो जाती हैं, वो बेचैनी भी बंद हो जाती है। बच्चे इतने जीवंत दिखाई देते हैं, इतने बेचैन दिखाई देते हैं, इसीलिए क्योंकि अभी वो अपनी परिपूर्णता के केंद्र के निर्दोष संपर्क में है, उनमें कोई कमी दिखाई नहीं देती। बच्चों की आंखों में देखो तुम या उनके मुस्कान में देखो तुम या उस क्षण जब वो शांत है उनको देखो, तुम्हें लगेगा ये परिपूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं। ऐसे ही किसी उस व्यक्ति को तुम देख सकते हो जो गहरे प्रेम के क्षण में है, तुम्हें लगेगा ये परिपूर्ण है, अब किसी भी बात की आवश्यकता नहीं। मनुष्य की बस दुर्घटना यही है कि उसके विचारों और उसके भावनाओं, उसके संस्कारों की जो दीवारें हैं उन्होंने उसकी परिपूर्णता को कैद कर लिया है। अन्यथा उपनिषद के ऋषि बिल्कुल ठीक है, तुम वही हो जो तुम्हें होना है, तुम वही हो जहां तुम्हें जाना है, बस इस बात का स्मरण करना है। इस बात का स्मरण आते ही
तुम स्वयं हंस पाओगे, तुम्हें लगेगा ये कितनी नादानी थी। मैं कहाँ कहाँ ढूंढता था, मैं क्या क्या होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सब तो पहले ही मेरे भीतर था। मैं तो वही हूं। तो सहमति असहमति से बाहर निकलकर अपनी पूर्णता का आनंद, उस आनंद में ठहरे, उस क्षण में डूबे। और तुम क्या उपनिषद के ऋषियों से कम हो? मैं तो अनंत पद के मित्रों से यही आशा करता हूं कि वो अपनी ही बात कोट कर दिया करें, उनको अपनी किसी अवस्था या चेतना की अनुभूति के लिए किसी शास्त्र किताब या किसी सद्गुरु की बात की टेक लेने की जरूरत नहीं। जो है वो है, जो किसी भी सद्गुरु ने जाना वो तुमने भी जाना, तो बिना टेक के सीधे ही कह सकते हो तुम सभी पूर्ण हो, बस थोड़ा नहाने धोने की जरूरत है, थोड़ा हल्के होने की जरूरत है, थोड़ा अपनी कोशिशों से प्लेफुल होने की जरूरत है, थोड़ा कीचड़ से कमल की ओर दृष्टि ले जाने की जरूरत है, थोड़ा और प्रेमपूर्ण होने की जरूरत है बस। लेकिन ये सारी जरूरतें और कोशिशें भी निकल रही हैं पूर्णता के ही केंद्र से, ये स्मरण रखना।